सिंगरौली में लोग बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हो चुके हैं। कई जगह ट्रांसफार्मर जल गए हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारी कोई कदम नहीं उठा रहे। सिंगरौली में शहर से लेकर गांव तक ट्रांसफार्मर जलने व बिजली की कटौती की शिकायतें लगातार हो रही हैं। गाँव में बिजली नाम मात्र की रहती है, जबकि बिजली के बिल लगातार बढ़ के आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली का बिल नहीं भरने से तत्काल बिजली विभाग बिजली काट देता है, लेकिन बिजली कटौती की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देता। गांव के लोगों ने बिजली विभाग की शिकायत अब कलेक्टर से की है। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रूपेश चंद पांडे का कहना है कि गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर जल गए हैं, 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अब तक लाइट नहीं आई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिजली के खंभे और तारों को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन खामोश है। आम लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जिला मुख्यालय से सटा हुआ है, मेन रोड से परसोना के आगे गढ़रा ग्राम है। लगभग 3000 से ऊपर की आबादी है। विगत 5 साल से 8 खंभा की केबिल टूट के बिखर गई थी। कई बार लोग उस केबिल की के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट में डी साहब से, बिजली विभाग के जेई साहब से मांग किए। केबिल टूटी फूटी जलती रही। अभी विगत 1 महीने से केबिल पूरी टूट के बिखर चुकी है और वहाँ पर गृह ग्राम में गढ़रा में इन लोगों का जो खंभा लगा था, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 2 खंभों को वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया गया। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है, लोग बेहद परेशान हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, धान की रोपाई चल रही है, लाइट लगातार 15 दिनों से गढ़रा ग्राम में नहीं है। ये पूरी जनता गढ़रा गाँव की आप देख रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं, कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया है हम लोगों ने और बिजली विभाग के डी साहब को भी ज्ञापन दिया गया है, यही साहब से बात हुई है। लेकिन धन्य है ये सरकार, इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं। हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर चल गया है, आज कई दिन से हो गया, 15 दिन हो गया। ट्रांसफार्मर में हम परसोना कहिए हैं, बात करे हैं तो कहते हैं आज लगेगा, कल लगेगा, यही है। अब रोपा लग रहा है, धान की गराई है, मच्छर काट रहे हैं, लाइट नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।